तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त सॉलिड बड्डी। तो मैं आपका दोस्त गौरव जीएम आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 10 सितंबर 2022 की करंट अफेयर। तो जितने भी 10 सितंबर से क्वेश्चन बनेंगे और इम्पोर्टेंट, आज हम ये सभी अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आपको कहीं भी इधर विधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं क्वेश्चनों की, हमने बाहर लगा रखी है क्वेश्चनों की आपके लिए। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पिछली सभी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों को याद कर लिया होगा। अगर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल 100% उनको करके आओगे, ठीक है। तो मेहनत करके पढ़ते रहिए, चलते रहिएगा, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाइयों बहनों में अधिक से अधिक शेयर करते रहे और भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है, चलते रहिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है उसमें 132वें स्थान पर, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। और इसमें बात करें फिर वैसे अलग क्वेश्चन बनेगा, वरना इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में? पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर रहा है नॉर्वे और तीसरे पर रहा है आइसलैंड, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस देश ने एक कानून पारित किया है जो उसे आत्मरक्षा हेतु परमाणु हमला करने की इजाज़त देता है? तो कौन सा है वो? उत्तर कोरिया, ठीक है, याद रखना, जिसके तानाशाह सनगी तानाशाह किंग जोंग उन है, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्या दिया हुआ है। हाल ही में बिहार के सीएम ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पर? फाल्गु नदी पर, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता का प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा, इन्होंने 88.44 मीटर का भाला जैवलिन थ्रो, या मतलब भाला फेंक, भाला अपना 88.44 मीटर भाला फेंका है और वहां पर इन्होंने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो किसने की है? अमेरिका, ठीक है, तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है। हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने? गुजरात ने, ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क, ठीक है, या तुर्क भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखते रहिएगा, शाबाश। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है, वे अब सो गई है सदा के लिए, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने, ठीक है, याद रखना, ये था 11 क्वेश्चन। देखिएगा 12वां क्वेश्चन, हाल ही में ई आयोजन पोर्टल के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश, अपना UP, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियक्सा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, यह बीमारी किससे संबंधित है? TB से, ठीक है, मतलब तपेदिक से, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को बजा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, ठीक है। और जो भाई इस PDF को या सभी PDF डाउनलोड करना चाहता है तो हमारे जल्दी है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये सभी अगली पिछली जितनी भी सारी PDF है सारी आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में सेव करके इनको अच्छी तरीके से दोहरा सकते हो, याद कर सकते हो, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी को इनसे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है।
चलते रहिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते रहिएगा। 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया है सिंगापुर सरकार ने किस पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख को सराहनीय सेवा पदक सेना प्रदान किया है, तो किन को किया है, सुनील लांबा को। ठीक है, आपको पता है पूर्व नौसेना प्रमुख थे, ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को उत्तराखंड में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हिमालय दिवस, ठीक है याद रखना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16वां, 9 सितंबर को किसने नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को रवाना किया है, तो किसने किया है, अमित शाह ने, ठीक है याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, 10 सितंबर को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दिमाग में अच्छे तरीके से छाप लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है देखते रहिएगा। 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया है किस राज्य सरकार ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, तो किस राज्य सरकार ने, राजस्थान ने, ठीक है याद रखना। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है, तो उसका नाम क्या है, मॉक्सी, ठीक है याद रखना। ये वहाँ पे ऑक्सीजन बदल, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल रहा है और धीरे धीरे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का काम इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है देखिएगा आने वाले इसमें शायद कुछ अच्छी खबर मिले, तो देखते रहिएगा। 20वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति से सम्मानित किया है, तो कितने छात्रों को, 200 छात्रों को, 100 छात्र तो 10th क्लास के हैं और 100 छात्र है 12th के, ठीक है याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रक्रिया मिसाइल QRSAM, ठीक है QRSAM प्रणाली की 6 उड़ानों का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, कहां से किया है, चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक है याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गोली गिरफ्तार से क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22वां, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक की है, तो कहां पर की है, लॉस एंजेलिस, कहां पर पड़ता है, USA में, ठीक है याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, भारत ने कुसियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है, तो किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है याद रखना। देखते रहिएगा आज की वीडियो का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या दिया हुआ है, 24वां, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो कितने शिक्षकों को, 46 मतलब 40 को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे सभी, ठीक है, और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फंस गए हैं क्वेश्चन, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए, PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय टाटा, ठीक है दोस्तों अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना, ओके बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।